हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं अजंता फार्मा लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस कर लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आप नोटिस कर रहे होंगे वन डे टीएफ का ये चार्ट है, और यहाँ पे ये वाली जो रेंज है नीचे आप देखोगे ये रेक्टेंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टॉक की एक ऐसा सपोर्ट है ना, अगर ये फर्दर फॉल होता है तो स्टॉक में वीकनेस आएगी। तो ये आपको हमेशा नोटिस करके रखना है। सबसे ज़्यादा हेड्स यहीं पर हैं स्टॉक, और स्टॉक को ये दिशा ऊपर जा रही है तो ये ट्रेंड लाइन के साथ ही जा रहा है। तो हमेशा इस ट्रेंड लाइन के पास ही आएगा, तब बाय का आप मोमेंटम आपका बहुत अच्छा रहेगा एक्यूमुलेट करने के लिए। फिलहाल आप देखोगे ऊपर से रिजेक्शन फेस हो रहे हैं, और मल्टीपल रिजेक्शन फेस हुए हैं ऊपर, ब्रेकआउट देने की कोशिश करी, बट कहीं ना कहीं ईएमआई क्रॉस। अब आप नोटिस करोगे कि स्टॉक को एक नीचे की दिशा दिखा रहे हैं। तो अगर ये फॉल होता है तो कुछ आपको यहाँ तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे 1595 के, क्योंकि यहीं पे फिर स्टॉक को एक सपोर्ट मिलेगा। और अभी भी यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो एक छोटा सा बायर्स का एक एरिया बन रहा है, यही एरिया स्टॉक को होल्ड करके रखे हैं। इसके लेवल ब्रेक होते ही आपको ये लेवल देखने को मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है 1595। तो यहाँ कहीं स्टॉक आ सकता है, तो फिर आपकी बाइंग्स भी यहाँ कहीं आनी चाहिए, और यहाँ जब अगर बाइंग आती हैं आपकी तो फिर यहाँ आप कैप्चर कर सकते हो स्टॉक को, वो तभी जब स्टॉक बुलिश मोमेंटम दिखाए। क्योंकि गिरते हुए मोमेंटम पे तो मत बाय करिएगा, जब स्टॉक यहाँ सस्टेन करे और डेली टीएफ पे कैंडल्स बना दे बुलिश में तब आप बाय करिएगा। तो फिर आपके यहाँ से एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम बन सकता है, और फिर यहाँ से आप शॉर्ट कर सकते हैं स्टॉक को फर्दर ऊपर के लिए, कुछ इतना शॉर्ट कर सकते हैं 13% का। और अगर ये स्टॉक यहाँ नहीं सस्टेन कर रहा है और ड्रॉप दिखा रहा है तो यहाँ तक आएगा स्टॉक 1491, तो फिर ये आपको लेवल पता ही है, क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन पर स्टॉक होल्ड करके रखे हैं। तो फिर आपके कुछ जो मोमेंटम रहेगा वो फिर 21 के आसपास का निकल के आएगा, तो इतना आपका कैप्चर कर सकते हो। फिलहाल स्टॉक में इसलिए गिरावट देखने को ज़्यादा मिलेगी क्योंकि स्टॉक ने हिट्स बहुत दे लिए हैं। आप देख लोगे कंसिस्टेंटली यहाँ पे 5-6 दिन स्टॉक ने ट्राई किया, बट ऊपर सेलर्स बहुत एक्टिव हैं इसीलिए नीचे आता हुआ दिख रहा है। यहाँ भी स्टॉक ने बहुत टाइम बिताया था, तो अगर यहाँ से एक बुलिश मोमेंटम बन जाता है जैसे हिसाब का यहाँ पे बना था, आप नोटिस करोगे ये भी एक बुलिश मोमेंटम ही था, कंसोलिडेट हुआ नीचे आया। तो अगर ऐसा यहाँ भी बन जाता है तो फिर स्टॉक को निकल जाना चाहिए, फिर से एक और ट्राई के लिए ज़रूर आएगा। तो स्टॉक अगर निकलता है तो फिर अच्छा निकलेगा, फिर 1870 के टारगेट्स रहेंगे इसके फर्दर, और फिर ऊपर 1900 ये क्रॉस करेगा। दोनों ही चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ऐसे अजंता फार्मा आप पकड़ सकते हैं और ऐसे ही चलने वाला है ये। ज़्यादा कुछ है नहीं स्टॉक में, और कंपनी बहुत अच्छी है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। अभी रिसेंटली फाइनेंशियल्स भी आए थे कंपनी के, तो प्रॉफिट में रही है, अच्छा खासा कंपनी का प्रॉफिट निकल के आया है। डिविडेंड भी कंपनी ने इशू कर दिया है, आप देखोगे ₹25 का डिविडेंड निकला है, 26 अगस्त को अकाउंट्स में भी आ जाएगा। तो स्टॉक सही है लॉन्ग टर्म की होल्डिंग के लिए, तो बहुत ही सही है। जिस हिसाब से स्टॉक ने अपनी दिशा बना के रखी है, यहाँ काफ़ी लंबी समय कंसोलिडेशन किया और फिर निकला, तो आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करिए जो लॉन्ग टर्म के स्टॉक होते हैं वो कंसोलिडेट ज़्यादा करते हैं, जैसे अजंता ने किया। तो जितना भी लॉन्ग टर्म के स्टॉक होंगे कंसोलिडेट करेंगे फिर सडन मोमेंटम आएगा, ऐसे ही इसमें है। और भी जितने भी रहेंगे HDFC बैंक ले लीजिए आप, उसके बाद डीमार्ट ले लीजिए, तो कंसोलिडेट करके सडन मोमेंटम निकालते हैं। तो होपफुली सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज़ मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।